हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है राइटिंग टास्क के ऊपर। काफी टाइम से, अप्रॉक्स 2 महीने से मैंने कोई राइटिंग का टॉपिक अपलोड नहीं किया, तो मैं कुछ अलग टॉपिक आज लेकर आया हूँ। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे के पास टाइम नहीं है वो इस वीडियो को अभी एक बार छोड़ दो, आप बाद में देख लेना, क्योंकि ये वीडियो पूरी देखनी जरूरी है। अगर आप इस बात का पता लगाना चाहते हो कि आपका लेवल किस स्कोर पे खड़ा है, आप 5 और 6 बैंड वाले राइटर हो, 6 से 7 वाले और 7+ वाले, तो आपको एक बार इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 5 से 6 बैंड वाली राइटिंग भी लिखी है, इंट्रो सेक्शन लिखा है खाली। अगर आप इंट्रो इस लेवल का बना रहे हो तो ये बैंड स्कोर आएगा, इस लेवल का बना रहे हो तो ये बैंड स्कोर आएगा, राइट। चलो पहले आप स्टेटमेंट को समझ लो, स्टेटमेंट समझनी जरूरी है, तभी ये चीज समझ आएगी। अब ये मैंने लिखा है 5 से 6 बैंड इस बच्चे को आएंगे, इसको 5 क्यों आएंगे और 6 क्यों आएंगे वो बात आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन अपना ये बोल रहा है कि कुछ लोग जो है सम से म्यूजिक आर्ट एंड ड्रामा आर इम्पोर्टेंट एज अदर स्कूल सब्जेक्ट, जैसे ही दूसरे स्कूल के सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोल रहे हैं कि म्यूजिक आर्ट और ड्रामा भी वैसा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली एट प्राइमरी स्कूल, कि ये प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। डू यू एग्री और डिसएग्री, क्या आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ठीक है। अब इसी बात को पैराफ्रेज करने वाले बच्चे ने क्या किया, इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल, उसने सम से को लिख दिया पैसिव में, इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल, उसको इसके नंबर मिलेंगे। देखो 5 बैंड भी ऐसे नहीं आते, ठीक है, कई कॉलेज कई यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट 5 बैंड की होती है, ठीक है। तो इस बच्चे ने पैसिव में लिखा, ठीक है। आगे इन्होंने लिख दिया आर्ट सब्जेक्ट्स आर वाइटल एज कंपेयर टू अदर स्कूल सब्जेक्ट। यहाँ पे इस बच्चे ने एक मिस्टेक की, क्या मिस्टेक की, इस बच्चे को शायद अभी तक इतनी नॉलेज नहीं हुई जो अभी 5.5 पे खड़ा है, कि एज कंपेयर टू जेड़ा जो वर्ड होता है, सॉरी बीच बीच में पंजाबी आ जाती है, पंजाबी हूं ना इसलिए, कि जो जो एज कंपेयर टू होता है वो होता है इसकी बजाय, यानी कि इसके कंपेरिजन, बल्कि उन्होंने इधर क्या लिखा है, एज इम्पोर्टेंट एज अदर, दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह, बट इस बच्चे ने क्या लिख दिया, दूसरे सब्जेक्ट की बजाय आर्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये इस बच्चे ने थोड़ी कोहिजन तोड़ दी यहाँ पे, इसलिए इसका 5 बैंड स्कोर रहेगा, ठीक है। अदर स्कूल सब्जेक्ट इन एलिमेंट्री स्कूल, आगे इसने एक फिक्स लाइन याद की हुई थी, आई एग्री विद दिस व्यू पॉइंट एंड आई विल डिस्कस माई पॉइंट ऑफ व्यू विद आई विल डिस्कस माई व्यू इन दी अपकमिंग पैराग्राफ, ठीक है। तो इस बच्चे को 5 और 6 बैंड स्कोर आएंगे। और अब इससे थोड़ा अच्छे वाला बच्चा है जो है वो इस चीज को कैसे इलेबोरेट करेगा, स्टेटमेंट सेम रहेगी, देखो कैसे, मैं इस चीज को नीचे उठा लेता हूँ स्टेटमेंट, ताकि आपको नजर आती रहे। ओके लो जी, तो अब हम बात करेंगे उस बच्चे की जिसको 6 से लेके 6.5 का स्कोर आ रहा है, वो इसको कैसे पैराफ्रेज करेगा, ठीक है। तो उसने सम से को क्या लिख दिया, अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलीव्स दैट आर्ट सब्जेक्ट्स इन प्राइमरी स्कूल। हाँ एक चीज और इस बच्चे ने मिस्टेक की थी, इसने सब्जेक्ट इन एलिमेंट्री स्पेशली लिखा था, ठीक है, ठीक है, मुझे लगा ये लिखा ही नहीं, ठीक है। हालांकि ये मैंने ही बनाए हैं, तीनों के तीनों मेरे ही टाइप किए हुए हैं, 5 वाला भी मैंने टाइप किया है, 6 से 6.5 वाला भी, और 7 और 7+ वाला भी, आगे आप देखोगे, ठीक है। तो इस बच्चे ने लिखा, अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलीव्स दैट आर्ट सब्जेक्ट्स इन प्राइमरी स्कूल्स आर एज इक्वली वाइटल एज अदर सब्जेक्ट्स। तो इस बच्चे ने इस चीज को एज इम्पोर्टेंट एज अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है, प्राइमरी की बात इन्होंने ऊपर कर दी यहाँ पे, इसके अंदर ही सेंटेंस के अंदर ही उस लाइन को ले लिया के अलग सेंटेंस बनाने की बजाय, ठीक है। अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलीव्स दैट आर्ट सब्जेक्ट्स इन प्राइमरी स्कूल एज इक्वली वाइटल एज अदर सब्जेक्ट्स आर गिवन इम्पोर्टेंस, मतलब जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, आर्ट सब्जेक्ट भी प्राइमरी स्कूल में वैसे ही इम्पोर्टेंट है। तो ये काफी अच्छा लिखा हुआ है, एज कंपेयर टू जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है उसके कंपेरिजन इस बच्चे ने काफी अच्छा लिखा है, ठीक है। तो उसने आगे क्या किया, आई एग्री विद दिस व्यू पॉइंट एंड विल डिस्कस माई व्यू इन दी अपकमिंग पैराग्राफ, तो उन्होंने ये चीज भी लिख दी, ठीक है। तो इतना लिखने से आपको क्या है कि 6.5 तक का बैंड स्कोर इजिली आता है, अगर आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देते हो, ये जो लाइन है मैं खुद बोल कर कहता हूँ कि
ये फिक्स लाइन होती है, इससे आपको 6.5 से ज्यादा स्कोर नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पे स्कोर ज्यादा लाना है, 7 लाना है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे कि आप आगे क्या लिखने जा रहे हो। ठीक है, अभी आप देखो इससे ज्यादा बैंड स्कोर वाली जो लाइन है, इंट्रो है, वो कैसी होगी। ठीक है, तो देखो 7.5 बैंड वाली इंट्रो कैसी होती है। उन्होंने लिखा था सम से म्यूजिक आर्ट है। ठीक है, तो ये बच्चा यानी कि मैं खुद अंकुश कुंभोज, ये भी मेरी ही लिखी हुई है। ठीक है, ये भी मेरी ही राइटिंग है। ठीक है, अनलाइक अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, अनलाइक का मीनिंग होता है दूसरे, मतलब की तरह, जैसे मैं बोल दूं अनलाइक योर फादर, माई फादर डजेंट लाइक टू ड्रिंक, तेरे पापा की तरह मेरे पापा ड्रिंक को लाइक नहीं करते। ठीक है, तो अनलाइक का मतलब होता है की तरह, जैसे हमने लिख दिया कि दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, कुछ लोगों का ये विचार है दैट क्रिएटिव सब्जेक्ट्स इन द इनिशियल स्टडी ऑफ स्कूल आर मैंडेटरी टू, कि दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह कुछ लोगों का ये विचार है कि क्रिएटिव सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, म्यूजिक आर्ट एंड ड्रामा, ये पहली पहली स्टडी में, इनिशियल स्टडी क्या होती है, शुरुआती शुरुआती दौर की स्टडी में स्कूल में ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी टू, जब भी टू लास्ट में यूज करना होता है कॉमा आएगा, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी चीज आपको गलत गाइड कभी करता ही नहीं। ठीक है, ओके, तो मैंने इसको आगे पॉइंट दिए, आई कंप्लीटली एग्री, उन्होंने बोला था डू यू एग्री और डिसएग्री, मैंने बोला आई कंप्लीटली एग्री, भाई मैं इस बात के साथ पूरा एग्री करता हूँ कि ये सब्जेक्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने दूसरे हैं। विद दिस व्यू पॉइंट एज दिस, तो मैंने आगे पॉइंट्स मेंशन किए कैसे, एज दिस फोस्टर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है कि संपूर्ण ग्रोथ जो एक बच्चे की होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट, कि अगर म्यूजिक आर्ट एंड ड्रामा सब्जेक्ट होंगे तो ये एक बच्चे की संपूर्ण ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद मेकिंग अ करियर इन दिस फील्ड, तो इस फील्ड में एक बच्चा अपना करियर भी बना सकता है। ठीक है, तो इसकी आगे जो इलेबोरेशन है वो तो चलो मैंने आज नहीं लिखे, बट उसका सैंपल आंसर भी मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, ज्यादा स्कोरिंग करने के लिए आपको ये चीजें करनी होती हैं। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6.5 तक की है, तो उसमें भी आपको कुछ चीजें ऐसी क्रिएटिव दिखानी पड़ेंगी कि आपका स्कोर इजिली 6.5 आ जाए, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 और 6 की है, तो इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको 5 और 5.5 बैंड रहने की है। आप ट्राई करो, थोड़ा एडवांस सीखो, एडवांस सीखने के लिए एडवांस टीचर के पास जाओ, उस टीचर के पास स्टडी मत करो जो आपके ही सेंटर में स्टडी करके 6.5 लेकर अगले दिन वहीं पे टीच कर रहे हैं। हो सकता है उसी पर्टिकुलर, उसको जो टास्क आया था उस पर्टिकुलर टास्क में वो स्ट्रांग था, वो इतना एक्सपीरियंस टीचर नहीं है। आप ए से सीखो, बी से मत सीखो, सी से मत सीखो। ठीक है, तो चलो ओके, किसी बच्चे ने अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना हो तो नीचे नंबर गिवन है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।